भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शर्मा ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का शीतकालीन प्रवास बीजेपी के नेताओं को गालियां देने में व्यतीत हुआ। हर दिन जो बयान आ रहे हैं उनमें वे अपनी आयु और मर्यादा दोनों को भूल चुके हैं। प्रवीण शर्मा ने कहा कि पिछले 2 साल से वीरभद्र सिंह यह प्रचार कर रहे हैं कि वे ईमानदार हैं और बाकी सब बेईमान। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि जब उन्हें यानी मुख्यमंत्री को इस्पात मंत्रालय दिया गया था तो वे उनसे क्यों छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में विकास के नाम पर वीरभद्र सिंह ने प्रदेश का विनाश किया है। प्रवीण शर्मा ने कहा कि सरकार पूरी तरह से गुटबाजी में फंसी हुई है और इसका स्पष्ट उदाहरण मिलता है मुख्यमंत्री के हमीरपुर जिला के दौरे के दौरान उनके ही एक वरिष्ठ मंत्री जिला में होते हुए भी उनके कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। उन्होंने प्रश्न किया कि जिन मंत्रियों ने त्याग पत्र दिया है या देने की धमकियां दी है उनसे अंदर खाते क्या डील हुई है। उन्होंने कहा कि कानून मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लिए भी काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में उनके काले कारनामों के चिट्ठे किश्तों में जारी करेगी। शीतकालीन प्रवास चल रहा है और इस शीतकालीन प्रवास का पूरा उपयोग श्री वीरभद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गालियां देने में कर रहे हैं। हर रोज उनके जो बयान आते हैं उनसे ये प्रतीत होता है कि श्री वीरभद्र सिंह अपनी आयु और मर्यादा दोनों को भूल चुके हैं। उनको याद रखना चाहिए कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनका व्यवहार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर बड़ा शालीन होना बहुत आवश्यक है। पिछले 2 साल से वो निरंतर एक प्रचार कर रहे हैं और वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में केवल एक वीरभद्र सिंह ही ईमानदार हैं, बाकी सब बेईमान हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। 2003 से 2007 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और वीरभद्र सिंह जी का पूरे का पूरा फोकस धूमल परिवार को गालियां देने पर रहा और नतीजा यह हुआ कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उसके बाद 2012 से जब से वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं ये 2 साल उन्होंने केवल धूमल चालीसा पढ़ करके ही बिताए हैं। मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वीरभद्र जी आपको इस्पात मंत्रालय दिया गया था, वो इस्पात मंत्रालय आपसे क्यों छीन लिया गया था? क्या यह सत्य नहीं है कि इस्पात मंत्री रहते हुए आपका नाम एक कारोबारी की डायरियों में आया था और आपके नाम से करोड़ों रुपए का लेन देन वहां पर, जिसकी डिटेल अखबारों में भी छपी थी और मीडिया चैनल्स पर भी चली थी? वो सवाल आज भी अनुत्तरित है कि वो VBS कौन था। मैं श्री वीरभद्र सिंह जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उनका क्या केस चल रहा है? उनके कच्चे चिट्ठे आने वाले समय में किश्तों में जारी किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि वीरभद्र सिंह जी लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चलाएं तानाशाही तरीके से व्यवहार ना करें।
क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश एक लोकतांत्रिक राज्य है, कोई ऐसी रियासत नहीं है जिसके वो रजवाड़े हैं। के चैनल के लिए हमीरपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।